ये 2015 मॉडल में 4 दिन कम है जी जी। ये VDI वेरिएंट है, बाकी स्पोर्ट्स लुक में बनी हुई है। पांचों अलॉय व्हील अलग से डले हुए हैं, बिल्कुल ओरिजिनल कंडीशन में, शोरूम कंडीशन में गाड़ी है जी। इसका प्राइस रखा है एक भैया, अब ये गाड़ी कौन ये है? गाड़ी हुंडई की i20 एक्टिव 2015 मॉडल, फर्स्ट ओनर, 75,000। ये है हमारी हुंडई की वरना 1.6 एक्सेस। कौन सा मॉडल है ये? 2012 मॉडल है जी। कितना चली है? 1,25,000। नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल दोस्तों, मैं हूं आपका अपना सिख सफर भाई। तो मैं हूं आज वापस से टाइगर कार बाजार पे, हमारे साथ मशहूर भाई हैं। तो हम लोग आज देखेंगे गाड़ियां है ना, तो नई गाड़ियों का कलेक्शन आ चुका है यहां पे। चलिए करते हैं वीडियो की शुरुआत, बाकी की डिटेल आपको लास्ट में देते हैं वीडियो के। मशहूर भैया, ये पहली गाड़ी हमारे पास कौन सी है? ये है हमारी हुंडई की वरना 1.6 एक्सेस। कौन सा मॉडल है ये? 2012 मॉडल है जी। कितना चली है? 1,25,000 किलोमीटर चली। 1,25,000। इसका फर्स्ट हैंड है, सेकेंड हैंड? ये ओनर थर्ड है, लेकिन गाड़ी जेनुइन है, सारी चीजें वर्किंग में है, बाकी मीटर वगैरह सब ओके? सब ओके, इंजन वाइज काम सब ओके है ना? बिल्कुल मेंटेन गाड़ी है, जो ले जाएगा समझ लो चलाएगा उसको, काम नहीं कराना। टायर वगैरह इसके? टायर दो आगे के नए पड़े हैं, पीछे के भी सही हैं। टायर वगैरह भी इसके नए पड़े हैं इस गाड़ी के। भैया इसका क्या रेट मांग रहे हैं? इसका 3,65,000। 3,65,000, बाकी कोई आएगा तो कम हो जाएगा है ना? तो यहाँ पे आप देखिए सामने खड़ी है ना गाड़ी, उसके बाद ये दूसरी आती है। तो भैया इसका क्या है? ये लग्जरी गाड़ियों में आती है, ये रिनॉल्ट की फ्लुएंस है, 2014 मॉडल, फर्स्ट ओनर, ओरिजिनल पेंट पे है, चारों टायर नए हैं, बढ़िया गाड़ी कंडीशन में गाड़ी है। ये 2014 मॉडल है। कितना चली है? फर्स्ट ओनर है ये, चली है लगभग वही 70,000 समथिंग। 70,000 जी। इसका क्या मांग रहे हैं प्राइस? इसका मांग रहे हैं 4,50,000 रुपए। 4,50,000, बाकी कोई आएगा तो कम हो जाएगा ना? अभी इसके भी टायर वगैरह ही गाड़ी है, बढ़िया पड़े हुए हैं गाड़ी के, टायर पड़े हैं नए टायर, ओरिजिनल पेंट ओके टायर है ना, इंजन वाइज भी काम सही है गाड़ी के। तो आप देखिए ये गाड़ी भी एकदम सही है यहाँ पे। भैया अब ये गाड़ी कौन? ये गाड़ी हुंडई की i20 एक्टिव 2015 मॉडल, फर्स्ट ओनर, 75,000 किलोमीटर चली हुई है। इसकी डिमांड रखी है 5.5 लाख रुपए, बाकी ऑन टेबल कम हो जाएंगे। बाकी इसके टायर वगैरह भी? टायर वगैरह सब बढ़िया कंडीशन में, न्यू टायर है, टॉप मॉडल है, टॉप मॉडल है गाड़ी जी। बाकी आपको यहाँ पे कितना इसका मांग रहे भैया जी? कितना प्राइस मांग रहे? 5.5 लाख रुपए डिमांड है, बाकी आएंगे ऑन टेबल कम हो जाएगा ना। उसके बाद आते हैं यहाँ पे एक और गाड़ी खड़ी है की जैज। ये जैज है, इसका क्या है सीन? ये 2015 मॉडल है, फर्स्ट ओनर है जी। और कितना चली है जी? कितना चली हुई है गाड़ी? 80,000 समथिंग चली। 80,000 जी। इसका क्या मांग रहे भैया? इसके मांग रहे हैं 4.5 लाख रुपए। 4.5 लाख रुपए, तो बाकी जो आएगा वो कम हो जाएगा उसमें है ना। तो इसके भी टायर वगैरह आप देखिए एकदम सब वेल मेंटेन है, बाकी इंजन वाइज गाड़ी ओके है ना? ओके ओके, डीजल वेरियंट पे, डीजल वेरियंट में आपको गाड़ी मिल जाएगी दोस्तों यहाँ पे। भाई ये कौन सी गाड़ी है? ये हुंडई की i10 2013 मॉडल, फर्स्ट ओनर। कितना चली हुई गाड़ी? 65,000 किलोमीटर। 65,000 जी। ओनर फर्स्ट है? ओनर फर्स्ट है। क्या डिमांड है इसकी? चारों पावर विंडो हैं जी जी। इसकी डिमांड रखी है 2.25 लाख रुपए। 2.25 लाख, बाकी कोई आएगा तो ऑन टेबल कम हो जाएगा। तो आप देखिए टायर वगैरह इसके भी ओके है एकदम, गाड़ी वेल मेंटेन है, कोई दिक्कत नहीं गाड़ी में, कोई काम नहीं कराना है। भाई ये कौन सी गाड़ी है? ये हुंडई की ईऑन है। ईऑन जी, ईऑन टॉप मॉडल है। कौन सा मॉडल है गाड़ी? ये 2016 मॉडल है, लास्ट का 2016। हाँ, UP 33 रायबरेली का नंबर है, फर्स्ट ओनर है, बिल्कुल ओरिजिनल कंडीशन में, शोरूम कंडीशन में गाड़ी है जी। इसका प्राइस रखा है 2,80,000 रुपए। 2,80,000। कितना चली होगी गाड़ी है? ये चली है वही 50,000 समथिंग। 50,000 समथिंग। तो मान लीजिए लखनऊ में अगर कोई लेता है तो इसके लिए NOC यहाँ की निकलवा देंगे ना। तो आप देखिए एकदम ईऑन बढ़िया कंडीशन में यहाँ पे खड़ी है, आपको आए और ले जाए फटाक से गाड़ी, इंतजार कर रही है। कुछ भी नहीं कराना है अभी, कुछ भी इसमें काम नहीं आपको कराना है ना। भाई ये कौन सी गाड़ी ये है? ये मारुति की स्विफ्ट डिजायर 2015 मॉडल, फर्स्ट ओनर। कितना चली है गाड़ी? 75,000 किलोमीटर चली है। 75,000। हाँ, बाकी टायर से लेके सारी चीजें जेन्युइन है, बिल्कुल नई कंडीशन में है जी। 15 मॉडल है, इसका प्राइस है 5.25 लाख रुपए। 5.25 लाख। ऑन टेबल कम हो जाएगा, बाकी ऑन टेबल कोई आएगा तो कम हो जाएगा जी, है ना जी। तो आप देखिए बढ़िया डिजायर यहाँ पे आपको खड़ी है 5.25 लाख में, आए और डिजायर को यहाँ से ले जाए फटाक से। अब उसके बाद आते हैं दोस्तों यहाँ पे दूसरी खड़ी गाड़ी। भैया ये कौन सी माइक्रा? इसका बताएं। ये 2012 मॉडल है, फर्स्ट ओनर है जी, पुश बटन स्टार्ट है, डीजल वेरियंट पे है। कितना चली होगी ये? 80,000 समथिंग चली हुई है
बाकी इसका प्राइस रखा है 2,25,000 रुपए 2,25,000 रुपए 2,25,000। बाकी कोई आएगा तो कम हो जाएगा, कम हो जाएगा। तो आप देख लीजिए बढ़िया गाड़ी, ये भी यहाँ पे खड़ी है, टायर वगैरह इसके भी एकदम ठीक ठाक पड़े हुए हैं ना, कोई दिक्कत नहीं गाड़ी में, वेल मेंटेन। यहाँ आएंगे तो आपको मशहूर भाई मिल जाएंगे, आपको बढ़िया से बढ़िया गाड़ियाँ यहाँ प्रोवाइड कराएंगे। दोस्तों यहाँ पे एक स्विफ्ट VDI खड़ी है भाई, इसका बताए। ये 2015 मॉडल में 4 दिन कम है जी। जी ये VDI वेरिएंट है, बाकी स्पोर्ट्स लुक में बनी हुई है, 5 अलाइविल अलग से डले हुए हैं, बेस्ट ट्यूब लगा हुआ है जी, सारी चीजें मेंटेन है, कोई काम नहीं है गाड़ी में। कितना चली होगी ये गाड़ी? ये गाड़ी चली है वही 75,000। 75,000 जी। ये फर्स्ट ओनर है सेकंड ओनर? सेकंड ओनर पे है, सेकंड ओनर पे है। बाकी गाड़ी वेल मेंटेन है, कुछ भी कराना नहीं पड़ेगा, टायर भी सब नए पड़े हुए हैं। लखनऊ है नंबर जी, तो आप देख सकते हैं भाई इसका क्या डिमांड है गाड़ी का। 4,25,000 रुपए डिमांड है, 4,25,000 कम हो जाएंगे जी। तो 4,25,000 में आपको स्विफ्ट VDI स्पोर्ट लुक में मिल जाएगी यहाँ पे, जो कि देखने में काफी खूबसूरत दोस्तों लग रही है ना। चलिए अब आते हैं दूसरी, आपको गाड़ी दिखाते हैं भाई। ये कौन सी गाड़ी है? ये 2012 मॉडल की फोर्ड की फीगो है, फर्स्ट ओनर पे है, वेल मेंटेन इंजन से बॉडी से टायर से जेनुअन है गाड़ी। कितना चली है भाई ये? ये चली है लगभग 80,000 किलोमीटर। फर्स्ट ओनर सेकंड ओनर? फर्स्ट ओनर। फर्स्ट ओनर जी। इसका क्या डिमांड है गाड़ी? इसकी का डिमांड है 2,25,000 रुपए 2,25,000। बाकी कोई आएगा तो कम हो जाएगा ना, ऑन टेबल? ऑन टेबल कम। चलिए अभी आप देख लीजिए फीगो, ये भी एकदम टायर वगैरह इसके भी मस्त पड़े हुए है गाड़ी के। भाई ये कौन सी गाड़ी है हमारे? ये 2012 मॉडल की Etios है, Etios लीवा। Etios लीवा जी, Etios लीवा। ये 2012 मॉडल है, सेकंड ओनर है, डीजल वेरिएंट है। इसका माइलेज बहुत अच्छा होता है, लगभग 24-25 के आसपास। कितना चली ये गाड़ी है? ये 80,000 किलोमीटर चली है। 80,000 जी। क्या डिमांड है भाई इसकी? इसकी डिमांड है 2,70,000। 2,70,000। बाकी जो कोई आएगा तो कम हो जाएगा ना। इसके टायर वगैरह भी एकदम सही है गाड़ी के, है ना। तो बाकी आप यहाँ पे आएंगे तो आपको Etios मिल जाएगी दोस्तों। उसके बाद एक खड़ी है सेंट्रो, भाई इसका क्या डिमांड डिटेल है गाड़ी का? सेंट्रो UP70 इलाहाबाद नंबर, CNG फिटेड है, 2007 मॉडल है जी, फर्स्ट ओनर है। ये गाड़ी मिल जाएगी 1,25,000 रुपए 1,25,000 जी। बाकी कोई आएगा तो इसमें? और ये टॉप मॉडल है, इसमें चारों पावर विंडो होते हैं, चारों पावर विंडो में 1,25,000। बाकी कोई आता है तो कम हो जाएगा ना, CNG फिटेड है। कितना चली बताई गाड़ी? ये चली है 65,000। 65,000 जी। चलिए दोस्तों सेंट्रो के बाद ये आते हैं इस साइड पे, तो ये कौन सी गाड़ी है भैया? ये शेवरले की बीट है, 2013 मॉडल है, फर्स्ट ओनर है, डीजल वेरिएंट है जी। 1,90,000 रुपए इसकी डिमांड है। कितना गाड़ी चली है भैया? ये गाड़ी चली 75,000 की। 75,000 जी। ऑनर कौन सा बताया आपने? ऑनर फर्स्ट, फर्स्ट ओनर जी। तो फर्स्ट ओनर गाड़ी ये भी है दोस्तों। उसके बाद यहाँ पे आपको मिल जाती है एक और सेंट्रो भाई, इसका क्या डिटेल है? सेंट्रो है 2009 मॉडल, CNG फिटेड, फर्स्ट ओनर, कानपुर नंबर जी। ये गाड़ी मिल जाएगी 1,60,000 रुपए 1,60,000 जी। तो आइए बढ़िया यहाँ पे ले जाइए आके, है ना। उसके बाद यहाँ पे एक आइटन हुंडई की, कौन सी भैया? ये हुंडई की आइटन है, 2010 मॉडल, LPG फिटेड थी, लेकिन इसका सिलेंडर निकला हुआ है, अगर कस्टमर चाहेगा तो लगा के चला सकता है, फिट हो जाएगा जी। तो भैया कितना गाड़ी चली हुई है? बाकी पेपर पे पास है गाड़ी, 60,000 समथिंग चली हुई है जी जी। बाकी इसका डिमांड 1,80,000 रुपए है। 1,80,000 जी। 1,80,000 में आइटन आप ले जाए यहाँ से बढ़िया से। फिर उसके बाद ये हुंडई की दूसरी, हाँ ये आइटन 2013 मॉडल है, LPG कंपनी फिटेड है, फर्स्ट ओनर पे है जी। जी इसकी भी डिमांड 2,35,000 रुपए है। 2,35,000 जी। बाकी कोई आएगा तो कम? हाँ, हो जाएगा, कम हो जाएंगे। बड़ी गाड़ी बढ़िया है, कोई दिक्कत नहीं। कोई कितना चली है गाड़ी? ये चली है 70,000 समथिंग। 70,000 तो 70,000 है। डिमांड क्या भाई बताई? डिमांड इसकी वही 2,25,000 रुपए 2,35,000 रुपए डिमांड, 2,25,000 2,25,000। उसके बाद आते हैं यहाँ पे तो ऑल्टो खड़ी है भाई, इसका क्या है डिटेल? ये अल्टो 2006 मॉडल है, सेकंड ओनर है, कानपुर नंबर है, कानपुर दर्ज है जी। ये गाड़ी मिल जाएगी 85,000 रुपए की, बाकी पेपर वर्क कस्टमर को कराना पड़ेगा। पेपर इसका, वर्क इसका मतलब जो रजिस्ट्रेशन होगा जी, जी, वो जो है कस्टमर को कराना पड़ेगा, कराना पड़ेगा। बाकी भैया कितना चली होगी गाड़ी? ये गाड़ी 60,000 समथिंग चली हुई है। 60,000 जी। तो यहाँ पे 60,000 में आपको दोस्तों मिल जाएगी ऑल्टो, आए ले जाए आके। तो मशहूर भाई अगर कोई यहाँ पे गाड़ी लेने आता है तो फाइनेंस हो जाएगी यहाँ पे गाड़ी? हो जाएगी। उसके लिए क्या क्या पेपर वर्क लगेगा? उसके लिए पेपर वर्क आधार कार्ड, पैन कार्ड जी, घर नाम पे है जी, खेत नाम पे है जी, खसरा खतौनी जी नाम पे है, दुकान मकान कुछ भी नाम पे है जी, तो उसकी बेस पे हो जाता है, हो जाएगा जी। बाकी जो गाड़ियाँ बाहर की है वहाँ की NOC यहाँ पे प्रोवाइड हो जाएगी ना? NOC प्रोवाइड करा देंगे, UP के किसी भी शहर से अगर जी जी,
तो लोन भी करा देंगे, लोन हो जाएगा जी, है ना। तो यहाँ का भैया एड्रेस क्या है आने के लिए? यहाँ का एड्रेस है, अगर आप मड़ियाओं की तरफ से आते हैं जी, लखनऊ में, लखनऊ के बाहर से हैं तो अगर मड़ियाओं की तरफ से आते हैं, सीतापुर की तरफ से, तो मड़ियाओं के बाद यही मंडी पड़ती है, गल्ला मंडी, गल्ला मंडी के बाद हाथी बाबा मंदिर पड़ता है, उसी के सामने जस्ट है टाइगर कार बाजार, वहीं पे आना है, वहीं पे आना। बाकी इधर लखनऊ की तरफ से कोई आता है तो ये डालीगंज क्रॉसिंग के इस तरफ है, इधर से आ सकता है। तो दोस्तों आप यहाँ पे आए और गाड़ियाँ ढेर सारी खड़ी हैं आपके लिए, तो ले जाएं आके। तो इसी के साथ दोस्तों आप स्वस्थ रहें, मस्त रहें, हंसते रहें, मुस्कुराते रहें, देखते रहें सफर रॉयल के सारे ब्लॉग, जुड़े रहें सफर रॉयल के साथ, आपकी जिंदगी का भी सफर रॉयल रहे। चैनल सब्सक्राइब करें, वीडियोस लाइक शेयर कमेंट करें, मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक के लिए धन्यवाद।